क्लास 8 में अपना सेकंड चैप्टर चल रहा था ज्योग्राफी का, भूमि मृदा जल प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन के बारे में। हमने बच्चों जल संसाधन के बारे में हम पढ़ रहे थे और आपको बताया था कि जल संसाधन क्या है और किस प्रकार ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और आप सभी जानते हैं कि इतना जल होने के पश्चात भी केवल 1% जल जो है अलवणीय है, जो हमारे यूज़ के लिए आता है, और जल का उपयोग हम कई अपनी क्रियाओं में करते हैं, ये मैंने आपको बताया था। और बताया था कि वर्ल्ड जो है, आज पूरा विश्व जो हमारा है, जल संसाधन की कमी से जूझ रहा है। और उन जगहों के नाम बताया जहाँ पर बताया मैंने भी पूरे वर्ष पर अकाल पड़ा रहता है। तो जल जब इतना इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए, इतना महत्वपूर्ण है, तो हमें जल संसाधनों का क्या करना पड़ेगा, संरक्षण। तो कंजर्वेशन ऑफ जल, ये जो हमारा वाटर रिसोर्सेज है उसके बारे में हम और आगे पढ़ने जाते हैं। जो जल संसाधनों का संरक्षण करने की हमें बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता पड़ने लगी है, क्योंकि जल एक नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय यानी जो जितना है वो कम नहीं हो रहा है, ना ज़्यादा हम उसको कर सकते हैं, लेकिन संसाधन जो है जल संसाधन उसका अति उपयोग हो रहा है, यानी बहुत ज़्यादा उसका प्रयोग होने लगा है, जिसकी वजह से आज हमें जल संसाधन की कमी महसूस होने लगी है। दूसरा है कि पॉल्यूटेड हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। कैसे प्रदूषित हो रहा है, आप सभी को पता है कि हमारा जो अलवणीय जल है, अर्थात जो पीने और यूज़ करने का जो पानी है, बहुत कम मात्रा में है और उसकी डिमांड है। साथ में जो जल है वो भी हमारा कई कारणों से क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। अशोधित मल उसमें आकर मिल जाता है, अति प्रयोग हो रहा है, रसायनों का विसर्जन, जो हमारी कृषि है उसमें पेस्टिसाइड जो प्रयोग में लिए जाते हैं, कीटनाशक, वह भी जल के साथ घुल जाते हैं। और हमारी जो औद्योगिक इंडस्ट्रीज होती है बड़ी बड़ी, उसमें भी जो वेस्ट निकलता है, गंदा पानी निकलता है, जिसको कई प्रकार के केमिकल्स उसमें यूज़ हुए हुए होते हैं, वो सारे भी जाकर क्या हो रहे हैं, हमारे इस साफ जल संसाधन में जाकर मिल जाते हैं। इनमें जो नाइट्रेट धातु हैं, पीड़कनाशी जल को क्या कर देते हैं, ये सब जल को क्या कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। तो जब हमारा ये इतना 1% जो हमारी पृथ्वी प्लेनेट पर जो जल है वह भी अब हमारे उपयोग के लिए नहीं है, प्रदूषित होता जा रहा है और उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि जनसंख्या में भी बहुत वृद्धि हो रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें अपने आप को जल को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा करना होगा। तो हमें जल का संरक्षण किस प्रकार से करना है, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है। जल का संरक्षण करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जल हमारे जीवन का क्या है, आधार है। तो इसको संरक्षित कैसे किया जाए, उसके तरीके मैं आपको अभी यहाँ बताने जा रही हूँ, जो कि इसको हम बोलेंगे विधियाँ जल संरक्षण की क्या है। तो सबसे पहली है कि जो भी हमारा जल है, जो हमें वापस हमें पीने के लिए या यूज़ करने के लिए मिलता है, उसको अगर उपयुक्त विधि से शोषित कर दिया जाए, तो जल कहते ना कि जो गंदगी जल में जाकर जल को प्रदूषित करने वाली है, अगर उसको हम पहले से ही उपयुक्त विधि से शोषित कर दें और पुनः पूरित करने के लिए करें, तो जल पर क्या किया जाता है, जल प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है। दूसरी विधि होती है कि बड़ी मात्रा में वन तथा अन्य वनस्पति आवरण यानी पेड़ पौधे लगाए जाएं, क्योंकि अधिक मात्रा में वन और पेड़ पौधे लगाए जाते हैं तो पेड़ पौधे अपनी जड़ों के अंदर क्या करते हैं, मिट्टी को बांधे रखते हैं, और मिट्टी है जो पानी को एब्जॉर्ब करती है। तो इससे क्या होता है, पानी है हमारा जो बहकर कहीं अन्य स्थान पर नहीं जाता है, खराब नहीं होता है। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, जल का संरक्षण कर सकते हैं। तीसरा है जल के रिसाव को कम करने के लिए, जल का रिसाव और वाष्पीकरण, ये दो चीज़ है, उसको कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारी जो सिंचाई की जो नहरें हैं उन नहरों को पक्का कराएं, क्योंकि अंदर अगर कच्चा होगा तो क्या होगा, जल क्या होगा, सोख लेगी धरती। अगर उनको पक्का बनाएंगे तो जल वैसे उसी तरह से रहेगा। दूसरा है स्प्रिंकलों से सिंचाई कर भी रिसाव और वाष्पीकरण को कम किया जा सकता है। सिंचाई की अन्य विधियां काम में ली जा सकती है, जैसे ड्रिप विधि, टपकन विधि, ये जो विधियाँ हैं जिसमें फुहारों की मात से बहुत बड़े जो हमारा खेत होता है, मैदान होता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। इसी तरह टपकन विधि होती है जिसमें बूंद बूंद करके, टपक टपक के पानी बहुत बड़े मात्रा को क्या करता है, सिंचाई कर देता है। तो एक और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जैसा कि आपको बहुत छोटी क्लासेस में भी बताया गया था,
छतों पर जो हमारी बरसात का पानी होता है वो इस तरह के पाइपों के माध्यम से अंडर वाटर जो हमारी भूमि होती है उसमें बड़े बड़े टांके बना दिए जाते हैं और वह पानी जब बारिश आती है वो नाली की सहायता से जाकर उसमें रिजर्व हो जाता है और वह हमारे बहुत सारे समय के लिए हमारी पानी की आपूर्ति करने में भी सहायक होता है। इवन आजकल गवर्नमेंट भी जब आपको पानी का कनेक्शन देती है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए वो कहती है कि आप इस मेथड को अपनाएं, अपनी छतों पर वो लगाएं ताकि पानी का संरक्षण किया जा सका। तो इस प्रकार ये इतनी सारी विधियां हैं जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जल रिसोर्सेस का क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन यानी संरक्षण कर सकते हैं। आप सभी लोगों को जल संसाधन महत्वपूर्ण है, उसके संरक्षण के लिए जितने हो सकते हैं उपाय करने चाहिए। एक मानव होने के नाते हमें उसका वेस्टेज नहीं करना चाहिए, जैसे कि हम अननेसेसरी पानी से गाड़ियों को धोते रहते हैं, ब्रश करते हैं तो नल चला के रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में हैं हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने आप को इस तरह का बनाएं कि हम पानी को वेस्ट नहीं होने दें ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए ये जो महत्वपूर्ण संसाधन है जल संसाधन उनके उपयोग के लिए हम छोड़ सकें। तो बच्चों आज मैंने आपको जल संसाधन संरक्षण के बारे में बताया। इस प्रकार हमारा तीसरा महत्वपूर्ण संसाधन भूमि हम पढ़ चुके हैं, मृदा पढ़ चुके हैं, आज हमने जल को भी कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेटा प्राकृतिक वनस्पति संसाधन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक नोट्स में उतारें, पढ़ें, सुनें, स्वस्थ रहें, खुश रहें।